सरकारी सॉल्यूशन चैनल को पसंद और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ सकते हैं, पीडीएस रिपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं, रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अपने अपने राज्यों की वेबसाइट पर कैसे विजिट कर सकते हैं, अपने राज्यों के रेशन कार्ड धारक की लिस्ट कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अपने अपने राज्यों की वेबसाइट पर कैसे विजिट कर सकते हैं। हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन तरीके के माध्यम से मित्रों आप लोग अपने अपने राज्यों की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने अपने राज्यों पर विजिट करने के लिए सबसे पहला तरीका हमारे पास यह है, सबसे पहले यहाँ पर गूगल सर्च करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे NFSA, उसके बाद यहाँ पर गूगल सर्च कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल ओपन हो जाएगी। उसके बाद मित्रों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, आप लोग को यहाँ पर रेशन कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मित्रों आप लोग को सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सभी राज्यों की लिस्ट आ जाएगी। अपने राज्यों की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए मित्रों आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आसाम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर ओके करेंगे। यदि मित्रों आप लोग को इस तरह से प्रॉब्लम फेस होता है तो मित्रों आप लोग को हम दूसरा तरीका बताएंगे, उस तरीके के माध्यम से मित्रों आप लोग अपने राज्यों की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गूगल सर्च करेंगे और टाइप करेंगे APDS आसाम, उसके बाद यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आसाम की ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगी, मित्रों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर बात करेंगे तीसरे तरीके के माध्यम से मित्रों आप लोग अपने राज्यों की वेबसाइट पर किस तरह से विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले मित्रों यहाँ पर हम गूगल सर्च करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे NFSA, उसके बाद मित्रों आप लोग को अपने राज्यों का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद मित्रों आप लोग के सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर मित्रों आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर मित्रों आप लोग को आपके राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर शो होगा और फूड सिक्योरिटी में जो भी मंत्री होंगे उनके नाम यहाँ पर शो किए जाते हैं। तो मित्रों आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को अपने राज्यों की वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद मित्रों आप लोग अपने राज्यों की वेबसाइट पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। अभी दूसरे पॉइंट की शुरुआत करते हैं, अपने रेशन कार्ड में कैसे मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर हम गूगल सर्च करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे APDS झारखंड, उसके बाद यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद झारखंड की ऑफिशियल पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। मेनू पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ऑनलाइन सेवा पे क्लिक करना है। ऑनलाइन सेवा पे क्लिक करने के बाद मित्रों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, मित्रों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कार्ड होल्डर लॉगिन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर राशन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद कार्ड टाइप पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास ग्रीन कार्ड होगा तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आपके पास व्हाइट कार्ड होगा तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है, कार्ड होल्डर में मुखिया होंगे उनके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करना है, 8 कैरेक्टर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सभी कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर आ जाएंगे। रेशन कार्ड में जिस सदस्य का भी आप लोग मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते होंगे उस सदस्य का नाम पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद मित्रों आप लोग को मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से आप लोग मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। हमारे पास झारखंड से कोई भी कस्टमर नहीं है, इसलिए आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस करके नहीं बता पा रहे, लेकिन मित्रों आप लोग यहाँ से अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं या तो चेंज करवा सकते हैं। अभी मित्रों यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि आप लोग हिमाचल प्रदेश से होंगे तो सबसे पहले आप लोग को हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसके बाद मित्रों आप लोग के सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, अपडेट मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, मोबाइल नंबर सीडिंग रिपोर्ट। तो मित्रों यहाँ पर आप लोग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद मित्रों आप लोग के सामने कार्ड धारक की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रोसेस कम्प्लीट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे मोबाइल सीडिंग रिपोर्ट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सारा रिपोर्ट आप लोग के सामने आ जाएगा।
मित्रों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिनका जिनका अभी हाल ही में मोबाइल नंबर अपडेट किया गया है उन सभी लोगों की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो मित्रों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो पॉइंट को साथ में कवर करेंगे, अपने अपने राज्यों के कार्ड धारक की लिस्ट कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं और अपने रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं। आप लोग तीन तरीकों से अपने अपने राज्यों की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मित्रों यहाँ पर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर बिहार की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। यहाँ पर बिहार पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पसंद करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर शो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मित्रों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को यहाँ पर रूरल और अर्बन का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप लोग रूरल का देखना चाहते होंगे तो यहाँ पर रूरल पे क्लिक कर सकते हैं, यदि आप लोग अर्बन का देखना चाहते होंगे तो यहाँ पर आप लोग अर्बन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग के सामने तहसील की लिस्ट आ जाएगी, अपना तहसील ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने पंचायत की लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पर विलेज का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर विलेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके गाँव में जितने भी रेशन कार्ड धारक होंगे उन सभी लोगों का नाम यहाँ पर आ जाता है। मित्रों आप लोग यहां पर देख सकते हैं रेशन कार्ड धारक की डिटेल देखने के लिए यहां पर नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर रेशन कार्ड धारक का पूरा डिटेल ओपन हो जाता है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे इन रेशन कार्ड धारक के रेशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, तो मित्रों आप लोग को यहां पर पता चल जाएगा। अभी आप लोग को यहां पर हम बताएंगे गुजरात स्टेट का कैसे आप लोग ऑनलाइन लिस्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोग को कैप्चा फिल करना है, उसके बाद गो वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग के सामने पूरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर आप लोग डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने तहसील की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर तहसील पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने विलेज की लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। विलेज में जितने भी रेशन कार्ड धारक होंगे उनके सभी लोगों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग रेशन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो रेशन कार्ड धारक के सभी मेंबरों का नाम यहाँ पर आ जाता है। तो आप लोग अपने राज्यों के सभी रेशन कार्ड धारक की लिस्ट ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे पीडीएस रिपोर्ट पाने के लिए मित्रों आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। अपने अपने राज्यों की वेबसाइट पर आ जाएंगे। पीडीएस रिपोर्ट पाने के लिए आप लोग मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं, मित्रों यहां पर हम बिहार की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्टर योर मोबाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम चॉइस करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है तो आप लोग के सामने लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ से आप लोग चूज करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पर दुकानदार का नाम चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से आप लोग दुकानदार का नाम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का नाम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो मित्रों इस तरह आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आपके दुकानदार के पास गवर्नमेंट की ओर से राशन भेजा जाता है वो रिपोर्ट आप लोग को SMS के माध्यम से अलर्ट किया जाएगा। अभी मित्रों आप लोग को हम यहाँ पर बताएंगे कैसे आप लोग गुजरात स्टेट में पीडीएस रिपोर्ट पाने के लिए आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। गुजरात के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, OTP आने के बाद यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप लोग के सामने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप लोग चूज करेंगे। उसके बाद आप लोग को तहसील सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, आप लोग के सामने लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ से आप लोग तहसील सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को दुकानदार का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है तो यहाँ से आप लोग चूज करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोग PDS रिपोर्ट पाने के लिए हकदार यहाँ पर हो जाते हैं। तो आप लोग अपने अपने राज्यों की वेबसाइट के माध्यम से आप लोग PDS रिपोर्ट पाने के लिए इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने से हम लोग घर बैठे खाता खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, सरकारी योजनाओं का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि मित्रों आप लोग
समझ सकते हैं आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने से इतनी सारी सेवा का फायदा मिल सकता है। उसी तरह आपके रेशन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने से आप लोग को हर माह कितना राशन मिलने वाला है वो आप लोग को SMS के माध्यम से अलर्ट किया जाएगा। और मित्रों आप लोग आपके मोबाइल पर PDF रिपोर्ट पा सकते हैं, यानी कि मित्रों आप लोग रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने से इन सारी सेवा का फायदा घर बैठे उठा सकते हैं। आशा करता हूँ मित्रों यहाँ पर हमने सारे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। मित्रों आप लोग को हमारे उसे बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने मित्रों के साथ। मन में अगर किसी भी तरह का सवाल या कन्फ्यूजन या सुझाव होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे उसे अपलोड किए जाने वाले वीडियो के लिंक आप तक पहले पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।